हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। फॉर योर एग्जाम्स हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एज अ रिविजन क्लास देखेंगे और इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है या फिर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। एज वी ऑल नो, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेसिक वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। पीएच वैल्यू एसिड की क्या होती है, लेस देन 7 होती है, और बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। ठीक है, जो पीएच वैल्यू होती है बेस की वो होती है ग्रेटर देन 7। अगर बात करें बेस की, तो एज वी ऑल नो कि जो बेस है वो क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को किसमें चेंज करते हैं, वो रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं ब्लू में। ठीक है जी। अब जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करते हैं, वो ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं रेड में। तो ये थे कुछ बेसिक बातें किसके रिगार्डिंग, एसिड और बेस के रिगार्डिंग। अब क्वेश्चन में पूछा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो नेचर में एसिडिक होते हैं। अगर वही क्वेश्चन में पूछ ले कि मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है जी, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, वो होते हैं बेसिक। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही आंसर। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट इसके एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे, जैसा बताया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये वो कंपाउंड होते हैं जो फॉर्म होते हैं किसके कॉम्बिनेशन से, नॉन मेटल एलिमेंट, नॉन मेटल एलिमेंट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल एलिमेंट विद ऑक्सीजन। अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, अभी हमने देखा उनका नेचर कैसा होता है, वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। वो क्यों, क्योंकि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये जो एग्जाम्पल गिवन है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये नोट करके भी लिख सकते हो आप कि जब सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है H2SO3 की सल्फ्यूरस एसिड। क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरस एसिड। एग्जैक्टली बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा हाई होती है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो गैसेस भी, लिक्विड भी, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एज वी ऑल नो ये क्या है, दैट इज अ गैस। वाटर क्या है, लिक्विड, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, सॉलिड। इफ यू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी, तो जो मैनी नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और एक एसिडिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका द इनर सरफेस ऑफ फूड कैन, कि जो इनर सरफेस होता है फूड कैंस का वो कोटेड होता है टिन से, नोट विद जिंक। किससे कोटेड होता है, वो कोटेड होता है टिन से, जिंक से नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो जिंक है, बात कर रहे हैं किसकी, जिंक की, तो जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से उसे यूज नहीं किया जाता। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, दैट इज इनकरेक्ट। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर।
लेट्स सी, बात करें टिन जो है वो कम रिएक्टिव है, अभी बताया था, ये नोट करके लिख लेना कि जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, टिन से। तो जो टिन है उसकी रिएक्टिविटी कम है किसके कंपैरिजन में, जिंक के कंपैरिजन में। तो इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड कंटेंट ऑफ फूड एज रिएडली एज जिंक डज। तो ये जो फूड में एसिड कंटेंट प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, और जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उस केस में जिंक रिएक्ट कर सकता है। ये इंश्योर करता है कि फूड जो है वो सेफ है और फ्री है फ्रॉम मेटेलिक कंटामिनेशन। इज दैट क्लियर? टिन एक बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टिन फॉर्म अ स्टेबल नॉन टॉक्सिक लेयर ऑन इनसाइड ऑफ द कैन, कि जो टिन है वो एक स्टेबल नॉन टॉक्सिक लेयर फॉर्म करता है कैन के अंदर, फूड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी पोटेंशियल रिएक्शन दैट कुड स्पॉइल इट। तो बेसिकली टिन प्रोवाइड करता है बेटर प्रोटेक्शन, और इसका नेचर कैसा होता है, ये होता है नॉन टॉक्सिक। जो टिन है उसका नेचर कैसा होता है, वो होता है नॉन टॉक्सिक, और ये कैसा होता है, सेफ होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिएक्शन इज आर पॉसिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो उसके लिए आप सबने रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी, और नहीं है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जल्दी आपको इस पर ट्रिक मिलेगी। इवन हमने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ट्रिक भी बताई थी। तो लेट सी, रिएक्टिविटी सीरीज एज वी ऑल नो कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑप्शन आप देखना, दैट इज कॉपर और देन एल्यूमिनियम। अब जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, और जो एल्यूमिनियम है वो कैसा है, वो हाईली रिएक्टिव है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, ये कैसा है, ये है लेस रिएक्टिव। बात करें जिंक और FeSO4, एज वी ऑल नो कि जो जिंक है वो कैसा है, वो हाईली रिएक्टिव है किससे, आयरन से। इसकी रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। वो क्या कर देता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को अगर कंपेयर करें तो जो HCU है, जो कॉपर है, वो आपका कम रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। अभी हमने देखा कि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस केस में यहां पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अभी बताया है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो वो Fe को रिप्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस Fe। तो बी ऑप्शन तो हो गया आपका सही। उसके बाद है CuSO4Fe। अब एज वी ऑल नो, अभी हमने देखा जो आयरन है वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो हाई है, और कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, लेस है। तो इस केस में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा और ये फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस Cu। सेम अब इन दोनों के केस में कंपेरिजन करें तो जो जिंक है, बात करें जिंक और एल्यूमिनियम। अब जिंक जो है एल्यूमिनियम से, सॉरी, जो जिंक है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है, और जो एल्यूमिनियम है ये कैसा है, ये हाई रिएक्टिव है। तो इस केस में नो रिएक्शन। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी और सी। तो ए एंड बी इनकरेक्ट, ए गलत, ये गलत, और जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होगा, सही आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ थ्री मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट, कि इनमें से सेलेक्ट करने हैं तीन मेटल्स को जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फाउंड इन फ्री स्टेट। तो उसके लिए आप ध्यान रखना, जिन मेटल जो अनरिएक्टिव होते हैं, जो भी कैसे होते हैं, जो मेटल्स अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है जी, जो मेटल्स कैसे होते हैं, जो मेटल्स अनरिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव मेटल, अनरिएक्टिव
मेटल. अब अनरिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? आपको याद होगा दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. और इन चारों में भी मैं करूं तो सबसे लेस रिएक्टिव सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है और यही जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. तो पहला है एल्यूमिनियम. एज वी ऑल नो एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, दैट इज इनकरेक्ट. गोल्ड आयरन भी की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये भी गलत है. कॉपर गोल्ड आयरन की भी रिएक्टिविटी ज्यादा, गलत है. तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो है तीन मेटल ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी एड एल्यूमिनियम फॉइल टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि जब हम एल्यूमिनियम फॉइल को किसमें, एल्यूमिनियम को किसमें कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं. व्हेन वी एड एल्यूमिनियम फॉइल टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अ गैस इज प्रोड्यूस, एक गैस प्रोड्यूस होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, तो वो कौन सी गैस होती है, वो होती है आपकी हाइड्रोजन गैस. अब हाइड्रोजन गैस कौन सी होती है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस विच एक्सटिंग्विश, और वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड. तो ये हो गया इनकरेक्ट. कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस विच प्रमोट बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये भी गलत हो गया. ब्राउन कलर, ये भी नहीं है. कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस विच प्रोड्यूस अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्राउट नियर इट, जो फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, कि नीचे दिए गए ऑक्साइडों में किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा. अभी हमने देखा था एसिड और बेस में. एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करता है, रेड में. एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को चेंज करता है किसमें, रेड में. ठीक है जी. अब जो बेस है वो रेड लिटमस को किसमें चेंज करता है, वो रेड लिटमस को चेंज करता है किसमें, ब्लू में. यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा. अब हमने देखा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो होते हैं बेसिक होते हैं. और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं. अब जो नेचर में एसिडिक होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है पूछा है कि कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा. तो एसिडिक ऐसा है जो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करता है, रेड में चेंज करता है. और ब्लू लिटमस को जब रेड में चेंज करता है, इट मींस वो क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो लेट सी, इसकी हम बात कर लेते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में. तो इन एन एक्वस सॉल्यूशन दे विल बिहेव एज एसिड एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. इज दैट क्लियर? और एक्वस सॉल्यूशन जो होता है मेटेलिक ऑक्साइड्स का, वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है. तो इट मींस ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है जी, ये हो जाएगा रेड लिटमस टू ब्लू. तो बात करें यहां पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की. तो ये क्या होते हैं, ये ऑक्साइड्स हैं किसके, मेटल्स के. तो ये क्या करेंगे, ये रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देंगे, ब्लू में. ठीक है जी, ये किसके ऑक्साइड्स हैं, ये तीनों जो हैं ये मेटल्स के ऑक्साइड है. और जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. अब सल्फर डाई ऑक्साइड कैसा है, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड. अब जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करेगा, ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में. तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूजेस, के यूजेस के बेसिस पे इन्हें मैच करना है. आयोडीन, मरकरी, एल्यूमिनियम, क्लोराइड. एल्यूमिनियम, सॉरी, मरकरी की अगर मैं बात करूं, जो किसलिए यूज होता है, जो यूज होता है थर्मोमीटर में. सिंपल, अगर कुछ भी नहीं पता आपको तो बी का हो गया आपका थर्ड. अब एज वी ऑल नो कि जो क्लोरीन है उसे हम किसलिए यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए. तो डी का हो गया फर्स्ट.
ठीक है जी, बी का थर्ड, डी का फर्स्ट। अब आयोडीन जो हम किस लिए यूज करते हैं, ऑन बाउंस और एल्यूमिनियम करते हैं फूड पैकेजिंग के लिए। तो ए का हो गया आपका सेकंड, लेट्स सी ए का सेकंड, यस, बी का थर्ड, सी का हो जाएगा आपका फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द अबव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी विच सब्सटेंसेस फॉर्म व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर। और अभी हमने इसका एग्जांपल पहले ही डिस्कस किया था कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फॉर्म होता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या फॉर्म होता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फर हाइड्रोक्साइड इनकरेक्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इनकरेक्ट, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड इनकरेक्ट, सल्फ्यूरस एसिड क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। एज वी ऑल नो, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ये कॉमन रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर में एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है विद अ पंजेंट स्मेल और कॉमनली जो प्रोड्यूस होती है बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स। वॉटर के साथ रिएक्शन, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वॉटर इट रिएक्ट टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड एक वीक एसिड होता है जो पार्शियली डिसोशिएट होता है इन वॉटर में और देता है हाइड्रोजन आयन और बाइसल्फाइड आयन। ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स द सॉल्यूशन। जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। उसका रीजन दीजिए। एज वी ऑल नो कि जो जिंक होगा उसकी जो रिएक्टिविटी होगी, जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। जिंक जो है वो कैसा है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो पहला है कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो ये गलत हो गया। जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, ये बात सही है। जिंक इज वन ऑफ द नोबल मेटल, दैट इज इनकरेक्ट। जिंक अपीयर बिलो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कि जो जिंक है वो क्या आता है, वो तांबे के नीचे होता है, तो ऐसा नहीं है जिंक ऊपर होता है। तो जो ओनली बी होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following metal burn if trapped in air? निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर क्या करती है? Which one of the following metals burn, जलती है जब हम उसे हवा में रखते हैं? तो मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो as we all know, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा है, सोडियम है। और सोडियम एक ऐसा मेटल है जब हम इसे एयर में रख दे तो ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो मैग्नीशियम इनकरेक्ट, जिंक इनकरेक्ट, एल्यूमिनियम इनकरेक्ट, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न विद द पॉप साउंड। कौन सी गैस ऐसी है जो बर्न होती है किससे, पॉप साउंड से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, तो वो कौन सी है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। और जो कैसी होती है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कैसी होती है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। वो कौन सा नॉन मेटल है जिसे पर्पल कलर यूज्ड किया जाता है इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन जो अप्लाइड होता है वाउंड एज एंटीसेप्टिक। कि प्रतिरोधी के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, क्लोरीन। तो इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो नॉन मेटल यूज होता है इन पर्पल कलर सॉल्यूशन जो अप्लाई किया जाता है चोट वगैरह पर, जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, वो कौन है, दैट इज आयोडीन। That is iodine. Iodine को commonly use किया जाता है in the form of iodine solution, which is often applied to wounds और जो infection को क्या करता है, prevent करता है। तो उसके according जो first option होगा, ये क्या होगा, सही answer. Next question. Next question है आपका, which statement are correct?
कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. आयरन कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कोपन कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है. ऑल मेटल्स आर सॉलिड, की सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, तो हमने इसमें एक्सेप्शन पढ़ा था, दैट इज मरकरी, तो ये हो गया गलत. ऑल मेटल्स आर हार्ड, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, तो सॉफ्ट मेटल भी होता है, ये भी गलत हो गया. ऑल नॉन मेटल आर गैसेस, सारे नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं, ये भी गलत हो गया. हाँ, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉन डक्टाइल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ कॉपर, ये कॉपर के पीस को पुट किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में जो HCl कंटेन करता है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है. तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी. अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर. तो जो मेटल अबव हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, की जो मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से अबव होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, फॉर्म करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. बट जो कॉपर है वो कैसा है, वो कम रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से भी. तो जब वो हम पीस ऑफ कॉपर को पुट करेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब जो HCl कंटेन कर रहा है, तो उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी. तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. ये टेबल गिवन है जिसमें रिप्रेजेंट किया गया है टाइप ऑफ रिएक्शन थ्री मेटल्स विद वेरियस सॉल्यूशन. तो ए में क्या है, आयरन सल्फेट है, Fe है, CU है और जिंक है, ठीक है जी. अब इसमें कहा है कि आयरन के केस में कोई रिएक्शन नहीं है, इसमें क्या है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये लेस रिएक्टिव है. बी देख लेते हैं, बी में भी कोई रिएक्शन नहीं है. अब इसमें जो है, सी में जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और कॉपर सल्फेट नोट अनोन, और नो रिएक्शन किसके साथ है, जिंक सल्फेट के साथ. तो इसका करेक्ट ऑर्डर इन लोगों ने पूछा है, तो इस केस में पूछा है कि एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एबीसी अभिक्रियाशीलता से सही क्रम, इसमें बताना है कि कौन सा सही सीक्वेंस से अरेंज है. तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल. तो बात कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा किसका, आयरन, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम और मरकरी. तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ गैस इज प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, के गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस गैसेस, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है उस गैस के रिगार्डिंग, ठीक है जी. तो पहला है आपका, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, कि वो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है किसके साथ, सॉरी, एक गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उस गैस के रिगार्डिंग सही है. तो इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, दैट इज इनकरेक्ट. उसकी पंजेंट स्मेल होती है, तो वो बर्न होता है किसके साथ, इट बर्न विद अ पोप साउंड. तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलिमेंट ए है जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, वो सॉल्यूशन टर्न करता है फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर पिंक. तो विच ऑफ द, इनमें से कौन सा एलिमेंट ए होगा, ठीक है जी, इनमें से बताना है तो कौन सा एलिमेंट ए होगा. तो एज वी ऑल नो, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो एलिमेंट ए है, एज वी ऑल नो कि जो एल्केलाइन मेटल है वो कौन सा होगा, वो होगा आपका एल्केलाइन मेटल. अब आप पूछोगे एल्केलाइन मेटल क्यों होगा, क्योंकि जब एल्केलाइन मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाता है. तो फिनोफ्थेलिन एक ऐसा इंडिकेटर है जब ऐड किया जाता है एल्केलाइन सॉल्यूशन में, तो वो किस में चेंज हो जाता है, इट टर्न पिंक और मेजेंटा इन कलर. तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एलिमेंट ए जो है वो पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, एज दीज आर द एल्केलाइन मेटल. और जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये फॉर्म करते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन जो टर्न करता है फिनोफ्थेलिन पिंक. लेट सी, तो कार्बन इनकरेक्ट, सिलिकॉन इनकरेक्ट, सल्फर इनकरेक्ट, जो सोडियम होगा
वो क्या होगा आपका सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू ऑफ नॉन मेटल्स, की नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. तो दे डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर, कि वो वॉटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. इनकी जो दे रिएक्ट एक्टिवली विद एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब व्हेन स्ट्रक. ठीक है जी. अब जो नॉन मेटल्स हैं वो किसके साथ, दे डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वॉटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो गया सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम बर्न इन एयर, कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है एयर के में तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जब उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो फॉर्म करता है बी. तो ए और बी कैसे होंगे नेचर में? तो ए क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका. ए क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है. और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और जो नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है. तो लेट्स सी, पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड बट नेचर में बेसिक होता है, तो ये तो हो गया गलत. मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और नेचर में कैसा है? बेसिक है. तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज अ मेटल, एक्स एक्स मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में. तो एज वी ऑल नो एक्सेप्शन है, दैट इज मर्क्यूरी. लेट्स सी, पहला है ब्रोमीन, इनकरेक्ट. मर्क्यूरी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो जो नॉन मेटल्स हैं वो असेंशियल होते हैं ओनली फॉर सम लिविंग बींग्स लाइक अस, कि अधातुएं आवश्यक है केवल हमारे जैसे कुछ जीवित प्राणियों के लिए. और यह स्टेटमेंट जो है फिलहाल के लिए गलत है. बाकी देख लेते हैं. नॉन मेटल्स जो है वो यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, ये बात तो सही है. नॉन मेटल्स को क्रैकर्स में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर में. तो तीनों बात सही है. पूछा था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, When a magnesium ribbon is burned in air, तो वो फॉर्म करता है पाउडरी सब्सटेंस ए. जब ए डिसॉल्व होता है वाटर में तो वो फॉर्म करता है सब्सटेंस बी, जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं. आइडेंटिफाई सब्सटेंस ए एंड बी. तो क्या होगा? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है जी. तो MgO2 इनकरेक्ट, ये गलत. जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा MgO और MgOH2, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद वॉटर, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है किसके रिगार्डिंग, जब फॉस्फोरस रिएक्ट करता है वॉटर के साथ. तो जो फॉस्फोरस है डज नॉट रिएक्ट विद वॉटर, कि जो फॉस्फोरस है वो वॉटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. और यही स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी सही. पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ सब्सटेंस गिवन है फिर उनका मोड ऑफ स्टोरेज इन लैब, बताना है कि कौन सा क्या होगा. तो ए क्या है? जिसे केरोसिन में रखा जाता है, दैट इज सोडियम. एज वी ऑल नो जो सोडियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. ग्लास बॉटल में किसे रखा जाता है? मरकरी. ठीक है जी. उसके बाद अंडर वाटर, एज वी ऑल नो कि अंडर वाटर को किसे, अंडर वाटर किसके रखते हैं हम? फॉस्फोरस. किसे रखते हैं? फॉस्फोरस. अब देख लेते हैं ऑप्शन. तो पहला है सोडियम, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड. इनकरेक्ट, फॉस्फोरस नहीं है, सोडियम है, मरकरी है, और आपका फॉस्फोरस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट है. तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिस्प्लेस बी एंड सी. जो ए है वो क्या कर रहा है? वो बी एंड सी को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन. बट वेन पुट इन सॉल्यूशन डी, जब उसे डी सॉल्यूशन में पुट किया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है. तो बी डिस्प्ले सी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. तो पूछा है कि सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा. तो इस केस में सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होगा वो होगा आपका ए. तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, W is a chemical substance. W एक chemical substance है जो use किया जाता है in antacid as well as cleaning and baking product. तो बताना है कि its chemical nature is X. When turmeric solution is added to it, जब उसमें turmeric solution add किया जाता है तो वो Y में change हो जाता है. The most name of W and Z is, तो W, X, Y, Z respectively क्या है? तो ये क्या है आपका? That is sodium by carbo
नेट, ठीक है जी। ये क्या है आपका, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कैसा होता है, जो बेसिक होता है, और बेसिक है तो टर्मेरिक सॉल्यूशन में किस में चेंज होगा, रेडिश, और इससे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। लेट सी, तो पहला है सोडियम कार्बोनेट इनकरेक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनकरेक्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक, तो जो तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए मैच द फॉलोइंग कॉलम बी, एक ऐसा मेटल दैट इज नॉन डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर, वो मेटल जो डक्टाइल नहीं होता है एट रूम टेम्परेचर पे, तो जो मेटल नॉन डक्टाइल, द मेटल दैट इज नॉट डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर, तो वो है जिंक, ठीक है। अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज ग्रेफाइट। अ मेटल जो सॉफ्ट होता है, जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो वो होता है आपका सोडियम, दैट इज सोडियम। एक ऐसा मेटल जो फायर को बहुत जल्दी कैच करता है, जब हम उसे क्या रखते हैं, एयर में रखते हैं, ठीक है जी। तो ये पूछा है आपका, ये हो गया आपका दैट इज फॉस्फोरस। उसके बाद अलश्रस नॉन मेटल दैट इज आयोडीन, तो ए का हो गया आपका जिंक, ए का हो गया थर्ड, तो लेट सी, ए की ऑप्शन है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फिफ्थ, डी का सेकंड, डी का फोर्थ, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन रीजन, सोडियम इज स्टोर्ड इन वाटर, तो सोडियम को कहां स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन, तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा है, सोडियम विग्रसली रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये स्टेटमेंट है सही, तो असर्जन तो हो गया फॉल्स और रीजन हो गया ट्रू, तो असर्जन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कौन सी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म नहीं है, तो क्यूक्लाइम इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज, तो जो क्यूक्लाइम है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म नहीं है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्जन और रीजन, फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन केरोसिन, तो केरोसिन को किसमें स्टोर करके रखते हैं, सॉरी सोडियम को हम किस, सोडियम को जो स्टोर करते हैं वो कहाँ करते हैं, केरो सीन में, तो ये तो हो गया गलत। फॉस्फोरस कैच फायर, ये सही है, तो इसमें भी असर्जन गलत है, रीजन सही है, तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा, असर्जन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो सही है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, अभी बताया था जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं, तो जो तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, ये अभी समझाया था, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छी क्लास पसंद आई होगी और आपको आइडिया लगा होगा कि आपको ये चैप्टर कितना आता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।